यस, आज हम बेसिक फिजिक्स में स्टडी करने वाले हैं। आप समय कर हमारा क्या चल रहा है? अभी बेसिक फिजिक्स चल रहा है और बेसिक फिजिक्स के अंदर आज मैं आपको स्टडी कराने वाला हूँ सिग्निफिकेंट नंबर। क्लियर? नाम सुना बोलो, सिग्निफिकेंट नंबर यानी सार्थक। आप समय को अंक, ये हम स्टडी करने वाले हैं। बात समझ रहे हो ना? ओके, क्या स्टडी करने वाले हैं आपसे? मैं कहूँ सिग्निफिकेंट नंबर स्टडी करने वाले हैं। बात समझ रहे हो ना? ओके, ध्यान देना इधर। आपसे मैं करूँ ऑलमोस्ट बचपन में सब स्टडी करते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के अंदर सिग्निफिकेंट का जब क्वेश्चन आता है तो कभी कभी स्टूडेंट से रॉन्ग हो जाता है। उसका रीजन ये है कि उनको रूल अच्छे से पता नहीं होते हैं। क्लियर? तो आज मैं आपसे कह रहा हूं, हम एक ही क्लास के अंदर मैं आपकी अप्रोच बनाऊंगा कि एग्जाम में अगर कभी सिग्निफिकेंट नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम सेकंडों में कैसे करेंगे। बोलो, बात समझ में? उससे पहले हम क्वेश्चन करें, उससे पहले हमारे माइंड में रूल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बोलो, बात समझ में? तो इसका मतलब वो आज हम जो छोटा सा हमारा बेसिक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक। नाम सबने सुना, बोलो क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूं, मुझे वन बाय वन पहले क्या सिखाने होंगे? बोलो, रूल्स सिखाने होंगे। क्या सिखाने होंगे? रूल्स। क्योंकि रूल्स अगर आपके क्लियर होंगे तो आपको सिग्निफिकेंट के क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो आपसे मैं कहूँ 6-7 मेन रूल है। वन बाय वन रूल को मैं बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम लॉट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। बोलो, बात समझ में? यही प्रोसीजर रहता है कि पहले थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, देन हमें क्वेश्चंस की अप्रोच होनी चाहिए। और एक ही क्लास में अगर सिग्निफिकेंट नंबर हमारा टाइटल मैंने बेसिक में लिया है तो आज आपका वो क्लियर होना चाहिए। बात समझ में? तो मैंने कहा सबसे पहले रूल नंबर वन, रूल्स अपने आप आगे से आगे पढ़ेंगे तो अपने आप सिग्निफिकेंट नंबर आने लगेंगे। जैसे मैंने कहा रूल फर्स्ट क्या बोल रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि नॉन जीरो डिजिट, मैंने कहा नॉन जीरो डिजिट आपसे मेरे को शून्य अंक सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होता है। समझना पहले, बाद में नोट करना। मैंने कहा नॉन जीरो डिजिट, आपसे मैं कह रहा हूं नॉन जीरो, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने लिखा यहां पर डिजिट, ठीक है। ऑलवेज, मैंने कहा ऑलवेज सिग्निफिकेंट, आपसे मैं कह रहा हूं नंबर में काउंट होता है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या, आपसे मैं कह रहा हूँ नॉन जीरो यहाँ मेरे डिजिट का मतलब क्या, आपसे मैं कहूँ समझना मेरी बात को, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट का मतलब होता है शून्य अंक, ठीक है। बोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होता है। मतलब क्या हुआ समझो, एग्जाम्पल मैंने कहा 6, 7, 3, बताओ सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा। मैंने ये एक एग्जाम्पल लिखा और यहाँ पर मैं सार्थक अंक में आपसे पूछ रहा हूँ, बोले तो सिग्निफिकेंट नंबर। क्लियर? मुझे बताओ यहाँ पर 3 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने बोला नॉन जीरो डिजिट ऑलवेज सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होता है। मेरी बात समझ में? और देखो, मैंने कहा मैं एग्जाम्पल लू नंबर 2, मैंने यहाँ पर लिखा सपोज 9, 1, 2, 4, 5, मुझे बताओ सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 5, क्योंकि सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट है और नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होता है। मेरे कहने का मतलब है, मैंने यहाँ पर लिखा सपोजेड 1, 2, 1, बताओ सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, आपको हो गए 3 होगा, बिकॉज तीनों के तीनों नॉन जीरो डिजिट है। पहला रूल समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, बात समझ? वन बाय वन रूल मेरे अकॉर्डिंग सिंप्लीफाइड तरीके से विद एग्जाम्पल समझाऊंगा और सारे रूल आने के बाद हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो तो मिक्स होंगे। बोलो, अरे बोलो, समझे नहीं समझे? जिसमें आपको एक डिजिट दिया जाएगा, आपको रूल आउट करना है कि उसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा। मेरी बात समझ में? आई थिंक फर्स्ट रूल समझ में आया। बोलो ओके, नोट करो।
नॉन जीरो डिजिट है, शून्य अंक। मैंने कहा हमेशा, ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, ऑलवेज हमेशा, बोलो सिग्निफिकेंट नंबर यानी सार्थक अंक। आपसे मैं कह रहा हूँ काउंट का मतलब समझ गए, बोलो इन्वॉल्व। आपसे मैं कह रहा हूँ काउंट होता है, उसको गिना जाता है। फर्स्ट रूल क्लियर, आ जाऊं सेकंड रूल पर। बिल्कुल बेसिक से आपसे एक एक रूल मैं बता रहा हूं, क्लियर। आई थिंक पहला रूल समझ में आ गया कि अगर नॉन जीरो डिजिट होगा तो वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होगा। सबके नोट हो गया? ओके, नाउ सेकंड। आपसे मैं कह रहा हूं रूल सेकंड लेते हम। मैंने कहा रूल सेकंड, वापस समझो क्या बताना चाह रहा हूं। मेरे कहने का रूल सेकंड क्या कहता है कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितने भी जीरो आ जाए वो सभी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होते हैं। क्या बता रहा हूं सुनना, मैंने कहा दो नॉन, आपसे मैं कह रहा हूं जीरो डिजिट, आपसे मैं कह रहा हूं के मध्य में, मध्य में मतलब बिटवीन, मध्य का मतलब क्या हुआ बिटवीन। आपसे मैं कह रहा हूं यदि जीरो, ठीक है, आता है ठीक है, तो वह सिग्निफिकेंट, आपसे मैं कहूं सिग्निफिकेंट नंबर, बोले तो सार्थक अंक। आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा काउंट होता है, बोलो। आपसे मैं कहूं एग्जाम्पल समझना, मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा मैं आपसे लिख रहा हूं 1003, बोलो 1003। अगर मैं यहां पर कहूं सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा तो आप कहोगे फॉर, यही रूल मेरा सेकंड कहता है। आपसे मैं कह रहा हूं मैंने लिखा यहां पर आपसे 2104, मैं आपसे कहूं सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा 4। मैंने यहां पर लिखा सपोजेड, आपसे मैं कह रहा हूं ठीक है, यहां पर मैंने ये लिखा, मैं पूछूं कितना सिग्निफिकेंट नंबर तो आप कहोगे बोलो 5, क्योंकि रूल नंबर सेकंड कहता है कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितने भी जीरो आए उनको सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट किया जाता है। आई थिंक रूल सेकंड भी क्लियर हुआ। वन बाय वन रूल समझना, देन फिर आपका एग्जामिनेशन होगा। बोलो बात समझ में? ओके, बहुत ही इजी गोइंग, आपसे मैं कह रहा हूं तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। थोड़ी दिमाग में क्लियर हो गया तो आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बात समझ में आई? बोलो आपको रूल नंबर 3 में आए। रूल नंबर फर्स्ट तो क्या था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सभी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होते हैं।
आपसे मैंने कहा रूल नंबर टू क्या बताया, मैंने कहा दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होता है। बात समझ में आए? ओके, नाउ रूल नंबर थ्री। बात समझ में आए? रूल नंबर आपसे मैं कह रहा हूं थ्री में क्या बता रहा हूं समझो। मेरे कहने का मतलब है नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो आए या बाद में जीरो आए, उन जीरो को सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं किया जाता है। क्लियर? समझ में क्या बता रहा हूं? मैंने कहा नॉन जीरो, आपसे मैं करूं डिजिट, ठीक है, आपसे मैं करूं नॉन जीरो, यहां पर मैंने कहा नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, बोलो डिजिट के, आपसे मैं कह रहा हूं बाद में या पहले, आपसे मैं को पहले जीरो होने पर, ठीक है, होने पर आपसे मैं करूं उसे, बोलो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट, आपसे मैं करूं काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब जो एक एक रूल आने वाला है बहुत अच्छे से समझना आप मेरी बात को। मेरे कहने का मतलब है अगर मैंने यहाँ पर लिखा सपोज डेट, आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, तो आप कहोगे बोलो कितना होगा, वन होगा। अगर मैं आपसे कहूँ मैंने दूसरा लिखा जीरो पॉइंट, आपसे मैं कह रहा हूँ बताओ सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा, वन होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? बोलो। अरे समझे कि नहीं समझे बोलो। क्लियर? मैंने यहाँ पर लिखा सपोज डेट, आपसे मैं कह रहा हूं ऐसा लिखा सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा, वन। क्लियर? मैं आपसे कहूं सपोज डेट, मैंने आपसे मैं कह रहा हूं कुछ भी लिखूं सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा, वन। आई थिंक रूल नंबर सेकंड भी आपको समझ में आया। बोलो। क्लियर? नोट करो। ठीक है, ओके। अब आपसे मैं कह रहा हूं अगर मैं इसमें आपसे पूछता 5040 बताओ कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, 3 होंगे, क्योंकि ये वाला तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग काउंट होगा, ये वाला रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग काउंट नहीं होगा। बोलो, बात समझ में आया? ओके, तो आपको तीन रूल समझ में आया? बोलो। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बोलो। क्लियर? अब आपसे मैं कह रहा हूं रूल नंबर फोर्थ, ठीक है, रूल नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। आपसे मैं कह रहा हूं अगर आपको कोई भी आपसे मैं को डिजिट दिया जाए और आपको कहा जाए कि ये मेजर किया गया है, मापा गया है, तो उस केस के अंदर आपसे मैं कह रहा हूं एंड में लिखा गया जीरो भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होता है। समझना पहले, आपसे मैं क्यों पहले ये जो टाइटल लिखूं उससे पहले मैंने कहा एक बार एग्जांपल समझो तो आपको समझ में आएगा कि रूल क्या कहना चाहता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा एग्जांपल, मैंने कहा कि दो पॉइंट आपसे मैं कह रहा हूं के बीच की दूरी, आपसे मैं कह रहा हूं 5040 मीटर, आपसे मैं कहूँ मापी, बोलो जाती है, मापी जाती है। ध्यान से समझना मेरी बात को, रूल नंबर 3 रूल नंबर 4 दोनों को अच्छे से समझना। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर यदि आपसे मैं कह रहा हूँ कोई, बोलो वैल्यू, आपसे मैं कह रहा हूँ नापी, आपसे मैं कहूँ जाती है,
नापी जाती है, तो उस केस में आपसे, उस केस में बोलो आपसे मैं कहूँ एंड में आया जीरो, ठीक है, बी बोलो आपसे मैं कहूँ सिग्निफिकेंट, बोलो सिग्निफिकेंट नंबर में आपसे मैं कहूँ काउंट, बोलो किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। मतलब कैसे आपसे मैं कह रहा हूँ, अभी मैंने आपको दो एक रूल और बताऊंगा, तो आपसे मैं कहूँ, मैं कहूँगा कि दशमलव जब आ जाता है तो उसके बाद जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होते हैं, बात समझ में। तो यहाँ पर देखो, आपसे मैंने कहा एक बार, मैंने आपको ये लिखा, अगर ये रूल नहीं पता हो तो आप सिग्निफिकेंट नंबर थ्री कर दोगे, जबकि इसका सिग्निफिकेंट नंबर फोर होगा। कैसे, इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, ये डी लिखा मैंने 5040 मीटर, क्या मैं इसको आपसे मैं कह रहा हूँ ऐसा भी लिख सकता हूँ, बोलो बात समझ में, और यस या नो, मेरी बात समझ में, मैं लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, बोलो क्लियर। लेकिन 5040 खाली इतना लिखा हुआ हो, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, नहीं, और बोलो नहीं लिख सकता ना। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर ऐसा लैंग्वेज लिखी जाए, मापा आपसे मैं गया है, तो आप क्या कर सकते हो इस केस में, इस जीरो को सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करोगे, क्लियर। तो कितना हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट नंबर, आप कहोगे फोर होगा, बोलो बात समझ में आए, ठीक है, ध्यान रखो। मैंने कहा अगर कोई वैल्यू जो है वो मेजर की जाती है, और मेजर की जाती है तो उस केस के अंदर जो आपसे मैं कह रहा हूँ नॉन जीरो डिजिट के एंड में जो जीरो आता है उसको भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट किया जाता है, बोलो बात समझ में। इफ कोई वैल्यू मेजर की जाती है तो उस केस में आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के एंड में आया जीरो भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट किया जाता है, इधर देखो, ये मेरे लिखने के बाद फोर कैसे हुआ वो भी रूल आगे आएगा, बोलो अभी मैंने ये वाला दशमलव का रूल लिया ही नहीं है, और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। मैंने आपसे कहा कि अगर कोई वैल्यू जो है वो मेजर की जाती है तो उस केस के अंदर नॉन, आपसे मैं कह रहा हूँ जीरो डिजिट के एंड में आया जीरो भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट किया, आपसे मैं कह रहा हूँ जाता है। मेजर किया जाए तो ऐसा सोचना है, ठीक है, आ जाओ अगले रूल पे, रूल नंबर 5। ठीक है, देखना रूल नंबर 5, आपसे मैं कह रहा हूं रूल फाइव क्या बता रहा हूँ, सुनो, आपसे मैंने कहा यदि कोई वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन वन है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, और इसका मतलब क्या हुआ, आपसे मैं कह रहा हूँ क्या होगा, बोलो लेस देन वन, यही मतलब हुआ, ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूँ, तो मैंने कहा ध्यान से समझना, दशमलव, ठीक है, दशमलव मतलब समझते हो बोलो, और फंक्शनल, ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं के बाद, आपसे मैं कह रहा हूं और नॉन जीरो डिजिट के पहले के जीरो को, आपसे मैं कह रहा हूं को
मैंने कहा सिग्निफिकेंट, आपसे मैं कहूँ सिग्निफिकेंट, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। पहले आप अच्छे से एग्जाम्पल समझो, फिर आपको मेरी बात समझ में आएगी। मेरे कहने का मतलब, मैंने लिखा 0025, आपसे मैंने कहा क्या ये वैल्यू लेस देन वन है या नहीं है? अरे बोलो, लेस देन वन है। और मैंने आपको लिखा अगर कोई वैल्यू लेस देन वन हो तो इस पॉइंट के बाद, यानी दिस वन, या नॉन जीरो डिजिट के पहले, के जीरो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर इसका कितना होगा? टू होगा। रूल समझ में आ रहा? बोलो ओके। मैंने कहा अगर आपको दिया जाए 0.001, आपसे मैं कह रहा हूँ ओके, तो यहाँ पर कितना होगा? बोलो वन। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। तो आई थिंक रूल नंबर 5 भी समझ में आपको आया? बोलो ओके। क्या रूल लिखा है समझ में आया? बोलो ठीक है। इफ वैल्यू लेस देन वन, देन आपसे फंक्शनल के बाद या नॉन जीरो डिजिट से पहले के जीरो को सिग्निफिकेंट आपसे नंबर में काउंट नहीं किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, काउंट नहीं, क्या बोला? नहीं किया जाता है, ठीक है। अगले रूल पे आए, बोलो रूल नंबर 6, समझना। आपसे मैं कह रहा हूँ रूल नंबर 6 क्या कहता है। मैंने कहा 10 के बाद किसी भी नॉन जीरो डिजिट, आपसे मैं कहूँ नॉन जीरो डिजिट के बाद के जीरो को सिग्निफिकेंट, आपसे मैं कहूँ नंबर में काउंट किया जाता है। समझना क्या बोला मैंने। इस बार जो मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, मैंने कहा 1.080, बताओ सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा? तो आपसे मैं कह रहा हूँ सिग्निफिकेंट नंबर की बात आएगी तो 108, ये तो पहले से ही हमें पता है। अब आपको इस रूल के अकॉर्डिंग अगर ये आ गया, इसके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट 8 आया, तो उसके बाद वाले जीरो को सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर कितना होगा? बोलो 4। और समझे नहीं समझे? अब आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि क्यों मैंने 4050 जो मीटर दे रखा था, उसको जब हमने 4.50 किलोमीटर किया, तो बताओ मैंने उसका सिग्निफिकेंट नंबर 4 क्यों बोला था? अरे बोलो, बात समझ में आएगी नहीं? मैंने आपको बोला था कि आगे जाकर ये चीज आपको समझ में आएगी। बोलो, रिकॉल किया आपने? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मैंने कहा अगर मैं ये मेजर की भी चीज नहीं होती तो क्या, मुझे बताओ, मैं बोलो कभी भी 4050 को 4 ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या? इम्पॉसिबल। इसका मतलब ही हुआ वो रूल तभी लगाना है जब आपको कोई भी चीज मेजर की गई हो, तभी हम ऐसा कन्वर्जन कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। इधर देखो, एग्जांपल नंबर 2 अगर मैं आपको बताऊं,
मैंने कहा 420, आपसे मैं कह रहा हूँ 800, बताओ यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, बोलो कितना होगा, अरे बोलो 6 होगा, बिकॉज रूल हमारा कहता है कि आपसे मैं कह रहा हूँ दशमलव के बाद किसी भी नॉन जीरो डिजिट के बाद के जीरो को सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट किया जाता है। अभी जो मेरा पहले वाला रूल था वो अलग था। अगर मैंने आपसे कहा कि सपोज डेट, आपसे मैंने कहा कि अगर वैल्यू जो हो, बात समझ में, वो लेस देन 1 हो, तो बोलो दशमलव के पहले वाले को काउंट नहीं किया जाता है। और समझे नहीं समझे, अच्छा मुझे बताओ अगर एक से ज्यादा होगा तो बताओ वो जो पहले वाला रूल है वो तो वैसे ही कोई वैल्यूएबल नहीं रहेगा। अरे बोलो समझे नहीं समझे, तो मैंने क्यों उसको लेस देन वन बोला, क्योंकि लेस देन वन बोला तो होगा तो ही वो चीज काम आएगी। मेरी बात समझ रहे हो, बोलो, नोट करोगे। आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो, रूल क्लियर हो रहे हैं। मैं अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, सब में आपका एग्जामिनेशन होगा, मिक्सअप में दूंगा आपको सिग्निफिकेंट नंबर निकालने। अगर आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे, इट मीन्स आपके माइंड में रूल सेट हो गए। बोलो बात समझ में आई, ओके, तो अगले रूल पे जाए। बोलो रूल समझ में आया ही नहीं आया, इस रूल से वो भी समझ में आया कि मैंने 4050 आपसे मैंने किया और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया, तो मैं क्यों वहां पर 4 सिग्निफिकेंट नंबर बोल पाया। बोलो बात समझ में, क्या बिना मापर किया हुआ, बिना मेजरिंग की हुई किसी भी चीज को ऐसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। बोलो बात समझ में, ओके, हम देखते हैं रूल नंबर 7। आपसे मैं कह रहा हूं रूल सेवन क्या बता रहा हूं, इधर ध्यान दो। अगर कोई वैल्यू मिले जिसके अंदर वैल्यू के साथ 10 के पावर में कुछ वैल्यू हो, बोलो बात समझ में, तो आपको यह ध्यान रखना है सिग्निफिकेंट नंबर करते समय 10 की पावर जो वाला पार्ट है उसका सिग्निफिकेंट नंबर में कोई रोल नहीं होता है। मेरी बात समझ में, यानी मैं सीधी सी बात करूं, घात आपसे मैं कह रहा हूं कि वैल्यू आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो, यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बोला 10 की पावर एक्स, ठीक है, का सिग्निफिकेंट आपसे मैं कहूँ सिग्निफिकेंट नंबर में आपसे मैं कहूँ काउंट नहीं, बोलो, किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक्स इज इक्वल टू सपोज ए 24 इंटू 10 की पावर 4, बताओ यह सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, आप कहोगे 2 होगा। अरे बोलो समझे समझे, सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा, तो आप कहोगे ओनली कितना होगा, बोलो, अरे 2 होगा, क्लियर। आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा, सपोजेड मैं आपसे कहूँ 101 इंटू 10 की पावर, आपसे मैंने कहा सपोजेड यहाँ 3, बताओ क्या होगा सिग्निफिकेंट नंबर, अर 3 होगा, क्लियर। तो इनका कोई रोल नहीं होता है।
एक ही क्लास में सिग्निफिकेंट नंबर आपके मैं बहुत अच्छे से करवा दूंगा। अभी हम रूल देख रहे हैं, फिर हम आएंगे क्वेश्चंस पे। क्लियर? आप सब रूल पक्के होंगे तो आपको मिस्टेक नहीं होगी। बात समझ में आए? ओके। ये अपने आप में छोटे छोटे से कंटेंट टॉपिक होते हैं जो आपको वन क्लास क्लियर होना चाहिए। बात समझ में? जैसे हमने एरर क्लियर किया, ऐसे छोटे छोटे से चीजें। ठीक है, अब आपसे मेरे को रूल नंबर 8, आई थिंक समझ में आया। बोलो रूल नंबर 8 क्या बता रहा हूं। इधर देखो, रूल नंबर 8 ये कहता है कि सिग्निफिकेंट के केस में अगर आपको कोई डिजिट मिलता है तो उसके अंदर नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं उनमें जो आपका दशमलव होता है वो आपसे मेरे को इधर हो, दो संख्या के बाद हो, तीन संख्या के बाद हो, एक संख्या के बाद हो, सिग्निफिकेंट के नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता। पहले एग्जाम्पल से समझो, फिर आपको मैं जो सम बताना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा 254, आपसे मैं 0.4, ठीक है, 257, आपसे मेरे को 0.4, एक मैंने लिखा 25.74, एक मैंने लिखा 2.574। मुझे एक बात बताओ, इनके तीनों ही के अंदर सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा? 444। मतलब मेरा जो रूल नंबर 8 समझ में आया, सिग्निफिकेंट नंबर के केस में हम जो ये जो दशमलव होता है वो बीच में हो, पहले हो या इधर हो उधर हो, उससे कोई सिग्निफिकेंट के नंबर में चेंजेस नहीं आता है। बात समझ में? मेरे कहने का मतलब है, इस आपसे मैं कह रहा हूँ केस, ठीक है, मैं आपसे मैं कहूँ सिग्निफिकेंट नंबर में कोई चेंजेज नहीं आता है। किस केस में? जो मैंने पीछे एग्जांपल दिए हैं। और बोलो, समझे नहीं समझे? इसमें सिग्निफिकेंट नंबर सब में ही क्या होगा? इसमें भी होगा 4, इसमें भी होगा 4 और इसमें भी होगा 4। और बोलो, समझे कि नहीं समझे? बोलो, मैं क्या रूल सिखाना चाहता हूँ समझ में आया? हालांकि ये रूल इतना सिंपल है, आपसे मेरे को ज़्यादातर यूज नहीं होता है, फिर भी रूल है तो हमें पता होना चाहिए। मेरी बात समझ में? वैल्यू पॉइंट ऑफ से बहुत डिफरेंस है, लेकिन सिग्निफिकेंट नंबर पॉइंट ऑफ से कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे तो ये 257 है, अगर मैं मनी वाइज देखूं तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन हम क्या स्टडी कर रहे हैं? सिग्निफिकेंट नंबर। रूल ये कहता है कि अगर आपको इनमें से कोई भी मिले, सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर जो है उसमें दस वालों की पोजीशन से आपका सिग्निफिकेंट के नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता है। मेरी बात समझ में आई? तो मैंने आपको 8 रूल मैक्सिमम होते हैं वो सारे रूल मैंने आपको सिखा दिए। अब मेन चीज़ है, हम कितना सीखे हैं वो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। क्लियर? मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, बहुत सारे आपको दूंगा, आपको उसमें बताना है कि उसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा। चेक करना अपने आप को, अगर गलत होगा तो हम करेंगे तो अपने आप ही सीखने को मिलेगा। क्लियर? तो आपसे मैं करूँ, आई थिंक थोड़ी हमारी क्लियर हो गई है। अब हम किस पे आते हैं? क्वेश्चंस पे। रूल सबको समझ में आया? बोलो ओके। इधर ध्यान देना, मैंने कहा ये लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। मैंने कहा यहाँ पर फाइंड आउट, आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, करेक्ट, मैंने कहा सिग्निफिकेंट, बोलो सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है, बोलो खाली सिग्निफिकेंट नंबर नहीं निकालना है, क्या निकालना है? करेक्ट सिग्निफिकेंट नंबर निकालना है। अरे बोलो, समझे समझे? बोलो, सही सार्थक अंक क्या होगा? मैंने कहा कि सही, यहाँ पर मैंने कहा सार्थक अंक ठीक है होगा। क्लियर? यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे दे रहा हूँ, ठीक है, वन टू थ्री पॉइंट सिक्स फोर, दूसरा दिया मैंने 203.004, थर्ड दिया मैंने आपसे 200, ठीक है, फोर्थ 0.0032, फिफ्थ है 1.00031, सिक्स 0.04050, 0.0006, ठीक है, नाइन
1.060 10 10.9 ठीक है। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको एक तरह से कितने क्वेश्चन पूछे, 10 ठीक है। हो जाना चाहिए अभी तक। यस, हो गया सबका। ओके, यहां पर हम लेते हैं सिग्निफिकेंट नंबर। बोलो फास्ट का कितना, सबका 5 आया क्या? मैंने कहा इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना, और समझ रहे हो? अपने आप रूल दिमाग में होंगे, जैसा सामने आएगा वैसा दिमाग अपने आप ही चल जाएगा। बोलो बात समझ में आए? मुझे एक बात बताओ, इसका कितना? बोलो सिग्निफिकेंट नंबर कितना? बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं, कौन कौन है जिसने 4 किया है? ओके, कौन कौन है जिसने 3 किया है? मुझे एक बात बताओ, रूल मैंने बताया था, आंसर क्या होगा यहां पर? 4। और मैंने कहा था कि नॉन डिजिट, आप समझ, अगर दशमलव आ गया है तो नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले जीरो तो हमेशा ही सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करते हैं। और समझे नहीं समझे, मेरी बात समझ में आए? बोलो, ये चीज क्या, इसमें दशमलव आया क्या? अरे तो वो काउंट नहीं होंगे। अगर दशमलव आ गया है उसके बाद अगर कोई नॉन डिजिट, नॉन जीरो डिजिट आता है तो उसके बाद के जीरो तो काउंट होंगे ना। क्लियर? मुझे बताओ इसमें कितना होगा? ओके, इसमें भी जिसने 1 किया उसका गलत होगा। मेरी बात समझो, ये और ये केस अलग है। ये तो क्या बोला कि नॉर्मली नॉन डिजिट जी, बोलो नंबर के बाद जो जीरो आते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करते। लेकिन मैंने एक ये बोला, एक रूल लिखाया 5th नंबर का, कि मैंने कहा अगर दशमलव के बाद आपका कोई नॉन जीरो डिजिट आता है उसके बाद जो जीरो आते हैं उनको तो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करते हैं। बोलो बात समझ में? यस या नो? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बोलो, अगर हम 5.0
040 का जब 4 कर सकते हैं तो आपसे मुझे बताओ इसका हम 3 क्यों नहीं करेंगे। रूल तो वहाँ और यहाँ सेम ही है कि दशमलव के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट आता है उसके बाद अगर जितने जीरो आते हैं उनको काउंट किया जाता है। इनको काउंट मैंने नहीं किया बिकॉज ये लेस देन 1 है। अगर यह 1 आ जाता तो वो भी काउंट हो गए। अरे रूल मैंने बहुत अच्छे से बताया, बोलो बात समझ में आए? ओके कोई बात नहीं, जिसका गलत हुआ उसको भी पूरा रूल वापस सही हो गया है, क्लियर? इसीलिए मैं एग्जांपल करा रहा हूँ, बताओ इसमें कितना होगा 2, क्लियर? अगर आपने कह रहा हूँ जिसने यहाँ गलत किया तो सब गलत किया होगा, ठीक है? आपसे मैं कह रहा हूँ बताओ कितना 4, समझ में आया? बोलो यहाँ पर कितना 5। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। अरे बोलो समझे नहीं समझे? ओके क्वेश्चन नंबर 2, मैंने कहा निम्न संख्या, ठीक है, के सिग्निफिकेंट नंबर यानी सार्थक अंक, ठीक है, क्या होंगे? वेरी सिंपल, फाइंड आउट सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। यहां पर मैंने दिया आपको 0.007 ग्राम, दूसरा दिया 2.64 × 10^24 किलोग्राम, थर्ड दिया मैंने 0.2370, ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर, फोर्थ 6.032 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, फाइव 0.00006032, ठीक है, हो जाना चाहिए। हो गया? बोलो। इधर देखो, मैंने कहा यहां हम सिग्निफिकेंट नंबर की बात करें तो यहां मैंने आपसे कहा इसका क्या होगा सिग्निफिकेंट नंबर, बोलो। और बोलो क्या होगा? 1 ही होगा। बात समझ में? जब हम आने लग जाता है क्या रूल याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं, एक बार रूल दिमाग में बैठ गए उसके बाद अपने आप काम हो जाएगा, क्लियर? अभी मैं आपको ऐसे करा रहा हूं, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो विद ऑप्शन होगा, मतलब बात समझ में आए? मुझे एक बात बताओ इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा? तो 3। क्या इससे कोई लेना देना है क्या? नहीं, मैंने रूल पहले से आपको लिखा दिया, बात समझ में? इसमें बताओ क्या होगा? बोलो 3 × 4, बोलो बात समझ में आए? अरे समझे कि नहीं समझे? इसमें बताओ क्या होगा? 4। इसमें बताओ क्या होगा? ओके इसमें बताओ क्या होगा? 2। मेरी बात समझ में आए? यस या नो? समझ में आ गया? अब आपको मैं जैसा एग्जाम में आता 4 ऑप्शन की फॉर्म में पूछ रहा हूँ, बोलो बात समझ? ये तो 2 हमने जो रूल सीखे थे उनको अप्लाइड करना मैंने आपको सिखाया, क्लियर? अब अपन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऑप्शन के साथ कैसा आता है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3,
23.023 0.0003 एंड 2.1 × 10³⁻³ के आपसे मैं कह रहा हूँ सिग्निफिकेंट नंबर बोले तो सार्थक अंक ठीक है क्रम से होंगे ठीक है। ऑप्शन दे रखा है ए 5, 1 ठीक है 5, बी 5, 2, 1 5, 1, 2 ठीक है 4, 4, 2 वेरी समझ में आया बोलो। मतलब आपको अब मैं जो बता रहा हूँ वो कैसे बता रहा हूँ समझ में आया कि अगर आपको 2, 3, 4, 5 कुछ भी दे और उनका आपको पूछे सिग्निफिकेंट नंबर तो सेकंडों में कर सकते हैं। हमें पता चल गया कि आपसे मैं कहूँ यहाँ पर कितने हैं 5, 5 इसमें भी है इसमें भी इसमें भी ये हो नहीं सकता। और समझे नहीं समझे इसमें कितना है 1 तो आपसे मैं कहूँ 1 इसमें भी है इसमें भी ये हो नहीं सकता क्लियर। फिर मैंने देखा इसमें कितना है बोलो तो ये हो जाएगा। और समझे नहीं समझे एग्जामिनर सोचता है स्टूडेंट 1, 2, 3, 5 कर देगा तो वो भी ऑप्शन मिलेगा। मैंने क्या बताया ऑप्शन एग्जामिनर बहुत दिमाग से बनाता है। और समझे नहीं समझे बोलो आपको मैंने जान के ये रूल लिखा दिया ताकि आपका ध्यान इस पर जाए नहीं। अरे बोलो समझे नहीं समझे मेरी बात समझ में आई बोलो आपको। ओके क्वेश्चन नंबर 4 Yes. क्या होगा बोलो मेरे 3 क्वेश्चन कराने के बाद भी आप कैसे कंफ्यूज हो रहे हो। अरे क्या होगा आपसे मैं कह रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अरे ये तो होगा ही नहीं ना बोलो। ये तो तभी काउंट किया जाता है जब 10 आ जाता है बोलो। बात समझ में मेरी बात समझ में आई बोलो। रूल मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाया है आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्लियर। अब आपसे मेरे को ये तो एक वैरायटी हो गई। अब क्या होता है कि आपसे मैं कह रहा हूँ मैं पहले आपको थोड़ा कुछ सिखाता हूँ उसके बाद क्वेश्चन कराता हूँ ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूँ ये समझ में आ गया बोलो। ओके अब देखो आपको अगर 2 डिजिट दे और एडिशन या सब्ट्रैक्शन दे और आपसे पूछा जाए उसके रिजल्टेंट का सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा। मेरी बात समझ में तो एक बात ध्यान रखना आपसे मैं कह रहा हूं 2 नंबर जब मिलते हैं आपसे मैं कह रहा हूं जैसे मैंने ये दिया मैंने कहा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपसे मैं कह रहा हूं ठीक है रिजल्ट आपसे मैं करूं का सिग्निफिकेंट नंबर ठीक है ये हम देखने जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है एक मैंने दिया 25 ठीक है 1 क्या दिया मैंने एक 25.1 दिया और एक मैंने आपसे कहा सपोजेड यहाँ पर मैंने दिया आपको सपोजेड 20 और मैं आपसे कह रहा हूँ 20 ठीक है समझना मेरी बात को। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके रिजल्ट का सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा तो उस बात में आपको ध्यान रखना है
कि जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसमें हमेशा जो दो डिजिट आपको दी जाए उसमें जिसमें दशमलव के बाद कम नंबर है उसी उतनी ही डिजिट आपको क्या रखनी है, दशमलव के बाद रखनी है और फिर सिग्निफिकेंट नंबर निकालना है। कैसे, आपसे मैं कह रहा हूँ इधर देखो, सोल्व करें फिर पता चलेगा। मैंने कहा ये 20.1 है और ये 20.20 है, और समझे नहीं समझे बोलो। मैंने कहा सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूंगा तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, जीरो। यहाँ पर आप समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कितना आएगा बोलो, 3। और समझ रहे बोलो, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कितना आएगा बोलो, 4। समझ रहे बोलो, यस या नो? मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैंने किया तो कितना आएगा, 0। 1 में से 2 को लेस करूँगा तो कितना आएगा बोलो, और बोलो कितना आएगा, 9 आएगा बोलो, यस या नो? अच्छा फिर यहाँ पर कितना आएगा, कितना आएगा, 4। तो 4.90 हो गया। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको ये रिजल्ट आया है तो आपको इसको क्या मानना पड़ेगा, आपसे मैं कहूँ 4.9 फिर सिग्निफिकेंट नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको दो डिजिट मिली है उसमें जिस डिजिट के अंदर दशमलव में का बाद कम नंबर है उतना ही आपको रख के सिग्निफिकेंट नंबर बताना है। अरे समझे नहीं समझे बोलो, इसमें इसके बाद कितना है, 2, इसमें इसके बाद कितना है, 1। तो आपको जो रिजल्ट आएगा उसमें पहले सिग्निफिकेंट नंबर निकालने से पहले दशमलव के बाद कितनी संख्या रखनी पड़ेगी, जो लोवेस्ट है। अरे समझे नहीं समझे बोलो, लोवेस्ट 1 है कि 2 है, तो मुझे बताओ इसको मैं 4.9 करूंगा, अब मुझे बताओ इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई, यस या नो? मैं दूंगा आप करोगे विद ऑप्शन, बोलो बात समझ में। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ मुझे बताओ, जोड़ दूं बाकी दूं, पहले बताओ एडिशन दूं सब्ट्रैक्शन दूं, तरीका पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या है, वही जो आप करते आए हो। लेकिन जब बात सिग्निफिकेंट नंबर की आती है रिजल्ट के अंदर, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपसे मैं कह रहा हूँ, जो आपको जिसका सब्ट्रैक्शन करने के लिए दिया है उनमें दशमलव के बाद जो संख्या कम होगी, संख्या कम का मतलब यहाँ 1-2 से नहीं है, यहाँ है इसके बाद 1 डिजिट है, इसके बाद 2 डिजिट है, तो हमें रिजल्ट के अंदर 1 डिजिट ही रखना है। अरे बोलो समझे नहीं समझे बोलो, मेरी बात समझ में आई बोलो आपको, ओके। ओके, पहले मैं जो सिखाना चाह रहा था वो समझ गया बोलो, कितना समझ में आया है? ऑप्शन के साथ पूछता हूँ, क्लियर? हटा दूँ मैं बोले, ये ध्यान से समझना, अपना क्वेश्चन कितना चल रहा था बोलो, 5 बताया था, और क्वेश्चन नंबर 5 था ना ये, ओके ध्यान से समझना, 9.99 ठीक है मीटर माइनस करना है 0.0099 मीटर, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट का
सही रूप तथा सिग्निफिकेंट नंबर होगा। इसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, दो क्वेश्चन पूछे हैं। दिमाग लगाओ, तो 5 सेकंड का नहीं है ये बात, समझ रहे हो ना? ओके, ये नीट 2020 में आया था क्वेश्चन। मेरे कहने का मतलब है ऑप्शन ऐसे हैं, अगर दिमाग में फंडा क्लियर हो तो सेकंडों में टिक कर सकते हो। क्या होगा बोलो? अरे आपसे मुझे बताओ, मैंने आपको लॉजिक बताया, अभी पंडे बताया, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर तो भी होगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो सब्ट्रैक्शन करने बैठ गए होंगे कि मैं देखूं रिजल्ट क्या होगा, पहले ऑप्शन तो देखो। अरे समझे नहीं समझे, कैसे किया, समझ में आया? यस या नो? आपसे मैंने कहा ये और ये, तो आप मुझे बताओ डेफिनेटली 2 ही आएगा दशमलव के बाद। अरे समझे नहीं समझे, इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो इसका मतलब यही होगा। अगर ऐसे 2 होते, एक 9.47 होता, एक 9.98 होता, तब तो मैं सब्ट्रैक्शन करने बैठता। अरे समझे नहीं समझे बोलो। मैंने आपको पहले कहा ना, कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जाता है। बोलो किसको चेक किया जाता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि एक तो लॉजिक कितने क्लियर है, उसके बाद आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। तो इसी क्वेश्चन को कुछ स्टूडेंट 5 सेकंड में कर लेंगे और कुछ जो है बचपन के उसमें खोए रहेंगे कि आपसे मैं कह रहा हूं अब क्या करें, ऐसा तो बचपन में ही नहीं हुआ, अब क्या होगा। आप समझे नहीं समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया? बोलो क्या ये सब करने की जरूरत है क्या? नहीं है। आपको मैंने लॉजिक बताया, समझ में आया? तो यही मैं आपसे कहूँ, ब्यूटी ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर चीजें बहुत आसान होती है, बस आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए और प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। अरे बोलो समझे समझे। यहाँ बहुत बड़े बड़ी चीजें, बोलो बड़े बड़े सॉल्यूशन, ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं। अरे बोलो समझे समझे। अगर आप कोई क्वेश्चन देखते हो और आपको लगता है उसका 1-2 पेज का सॉल्यूशन है, क्या वो आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है क्या? नहीं है। मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो लॉजिकल होते हैं और जिनका आंसर जो है फटाफट किया जा सकता, बट उसके लिए पहले फंडा तो क्लियर होना ही चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में वही कर पाएगा जिसको पहले, अभी जो मैंने एक बात बताई थी नोट में, वो पहले क्लियर हो। और अभी लॉजिक बताया था, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, उसके रिजल्ट के अंदर हमेशा सिग्निफिकेंट नंबर निकालते समय दशमलव के बाद उतने ही डिजिट रखे जाएंगे जो हम जिनमें सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उनमें लोवेस्ट दशमलव के बाद नंबर। अरे बोलो समझे नहीं समझे, आई थिंक मेरी बात समझ में आई। बोलो बोलो समझे नहीं समझे, ठीक है, नीट 2020 में आया था, क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है बहुत आसान है। अरे समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर? तो आई थिंक मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था, सिग्निफिकेंट नंबर, समझ में आगे? बोलो यस या नो? मेरे कहने का मतलब नो एनी डाउट? अरे बहुत सिंपल रूल भी आपको समझ में आ गए?
बोलो आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर। मेरे कहने का मतलब जो 7-8 रूल सिखाया मैंने, और रूल सीखने के बाद हमने अप्लाइड कर लिया तो हमारे दिमाग के अंदर फंडा बैठ गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कभी सिग्निफिकेंट नंबर अगर आपको रिवीजन करना हो तो मुझे नहीं लगता 1-2 मिनट से ज़्यादा रिवीजन है। माइंड में रूल सोचेंगे, हमें क्या थ्योरी तो याद ही नहीं रखनी। अगर सारे नॉन डिजिट जो नंबर होते हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, टू आपसे मैं कह रहा हूँ नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ दस, अगर जो वैल्यू है आपसे वो लेस देन वन है, तो आपसे मैंने कहा जो नॉन डिजिट जो नॉन जीरो डिजिट होता है उससे पहले के जो जीरो होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करते और बाद वाले को काउंट करते हैं। अरे बोलो समझे नहीं समझे। मैंने कहा अगर नॉन जीरो डिजिट है तो आपसे मैं कहूँ उसके बाद और उसके पहले के जीरो को हम बोलो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करते हैं। अरे समझे नहीं समझे। पावर किसी में दे रखी हो तो उसको हटा देते हैं, वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करते। कोई वैल्यू अगर मेजर की गई हो तो आपको मैं कह रहा हूँ उस केस में आपको जो मैंने बताया वो आपका लास्ट का जीरो भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशंस की। आपको मैंने बताया कि अगर 5040 खाली दे रखा है तो 3 है, लेकिन 5040 मीटर मापा गया है तब तो बोलो इसको मैं 5.040 करूंगा किलोमीटर, तो मेरा अकॉर्डिंग टू रूल बताओ वो आपका 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ एक्सेप्शन जैसी कोई चीज नहीं है, आपको रूल क्लियर होने चाहिए और आपसे मेरे को आप सभी आंसर दे सकते हो। आई थिंक आज आपको सिग्निफिकेंट नंबर समझ में आया, क्या देख रहे हम बेसिक स्टडी कर रहे हैं, बोलो बात समझ रहे हो ना। तो ये आपको सिग्निफिकेंट नंबर क्लियर हो गया होगा, क्लियर। अगर किसी से 1-2 गलत हुए हो तो वापस उनको घर पे जाके चेक करना। ओके okay?